हेलो दोस्तों। तो चलिए, 2019 का एमपीपीएससी पीरी हो चुका है। अब 2020 से जो सिलेबस चेंज होने वाला है, जो चेंजिंग आने वाली है प्राथमिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में, उससे भी हम लोग अपडेट हो जाते हैं, उसे भी देख लेते हैं। और 2019 का जो पेपर हो गया है 12 जनवरी 2020 को, उसमें जिसका अच्छा पेपर गया वो मेंस की तैयारी के लिए लग जाए, और जिसका सही नहीं रहा है वो अंग है जो भी होने वाला है 2020 में प्री, उसके लिए तैयारी में जुटे। ठीक है, तो सोचना कुछ नहीं है, ना कोई टेंशन। जिसका हुआ वो भी खुश रहे, जिसका नहीं हुआ वो आगे के लिए लग जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग इससे भी अपडेट कर देते हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2020 से लागू परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो इसमें जैसा होता था 3 चरणों में होती थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। राज्य सेवा परीक्षा के 3 क्रमिक चरण होंगे, वो पहले भी होते थे। राज्य सेवा सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, वो एमआर सीट पर आधारित। फिर होती है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, ये लिखित होती है या मेंस भी बोलते हैं। ठीक, फिर है इंटरव्यू साक्षात्कार। ठीक, तो इसमें भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक, राज्य सेवा पर प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न के 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहले भी होते थे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की रचना निम्नलिखित योजना अनुसार होगी। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का, दूसरा ये 2 घंटे का रहता है, 200 नंबर का रहता है। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण का, 2 घंटे का होगा और 200 नंबर का। यहाँ तक कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक, यह परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, यह केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु योग्य आहर घोषित किया जाता है। अंतिम चयन सूची में केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाएगी। तो याद रखिए, जो अंतिम परिणाम घोषित होगा उसमें मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन नंबर जोड़े जाएंगे। ठीक है, इसका उस परीक्षा में कोई महत्व नहीं, बस वहां तक पहुंचने का मेंस तक एक जरिया है प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के जो भी प्रश्न पत्र होंगे दोनों वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, बहुविकल्पीय। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे, जो अभी भी होते थे, ए बी सी डी या आवासा द, जिनमें से केवल एक सही उत्तर होगा। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तक में उसके द्वारा निर्णित सही माने गए आवासा या द में से केवल एक उत्तर चयन करें। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, पहले भी होते थे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की समावधि 2 घंटे की होगी, पहले भी होती थी। यहाँ तक कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अभिरुचि परीक्षण के विस्तृत पाठ्यक्रम परिदृश्य 2 में यथा निर्दिष्ट किए गए। पहले भी ये प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होता था, अभी भी हो रहा है। ठीक है, ये भी पढ़ लेना, कोई कुछ नहीं यहां तक चेंज हुआ। ठीक, सी सेट जैसे कि आपको पहले भी पता था कि वो रहता है, उसमें चल एक मतलब पासिंग मार्क चाहिए होती है 33% के बाद। ठीक है, तो भी यहाँ भी चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्त पदों की संख्या के वर्ग वार श्रेणीवार की अधिकतम 15 गुना होगी। समान अंक प्राप्त तो उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा में हेतु आहर घोषित किया जाएगा। केवल बे उम्मीदवार जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में आहर घोषित किया है, मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने की पात्र होगी। मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम 30%। ठीक, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग होता है, पहले भी होता था। द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम हेतु गुणात्मक निर्माण में
निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा। राजवंश सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समान होगी। राजवंश सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार की जाएगी। तो याद रखिए, जो वन सेवा की जो परीक्षा होती है उसमें दोनों पेपरों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है। प्रारंभिक परीक्षा के जो सामान्य अध्ययन का होता है वो अभी दूसरा पेपर होता है, दोनों के आधार पर। ठीक है, अब इसका सिलेबस की बात करते हैं। अभी तक जो भी होता था वही सेम पैटर्न है। ठीक, अब सिलेबस में जो चेंजिंग आई है उसे देखते हैं केवल इसमें। ठीक, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का, तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। ठीक, पता है पहले केवल एक पॉइंट दे दिया गया था, मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास, संस्कृति। ठीक है, इस बार दिया गया उन्होंने अपनी तरफ से मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय एवं बोलियां, प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ठीक है, फिर दूसरा है भारत का इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संग्रह एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है, मध्य प्रदेश के भूगोल में मध्य प्रदेश वन, वनपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग। ठीक, फिर हमारा आएगा भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें भौतिक भूगोल विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक देश, फिर प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी। फिर सामाजिक भूगोल रहेगा, जनसंख्या संबंधी, जनांकिकीय, आर्थिक भूगोल रहेगा। ठीक है, जिसमें प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, विश्व के महाद्वीप, देश, समाज, महासागर, नदियां, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत। फिर हमारा रहेगा पांचवा जो पॉइंट है, इसमें राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था रहेगा। फिर बी पार्ट है जो राज्य की अर्थव्यवस्था रहेगी, इसमें मध्य प्रदेश की जनगणना एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, फिर आएगा भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। भारत, याद रखिए, यहाँ मध्य प्रदेश का केवल है। ठीक है, और यहाँ छठवें पॉइंट में जो दिया गया, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, इसमें भारत शासन अधिनियम 1919, 35, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएससी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान इत्यादि शामिल रहेगा। फिर रहेगा विज्ञान एवं पर्यावरण, इसमें विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषण तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद, तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। ठीक है, फिर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समाज की घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। फिर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग, स्पाइट्स, ई कॉमर्स। फिर रहेगा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संविधानिक सांविधिक संस्थाएं, भारत का निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य एवं संस्करण उद्योग। ठीक है, तो ये है हमारा प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है, आपको बता दें इसमें देखो पहले क्या सीधा सीधा पॉइंट में दिया गया था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसमें उसका कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, केवल उसके देख याद रखना मानवाधिकार आयोग आयोग दिया गया है, अधिनियम शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। फिर 1989 जो STSC का एक्ट, उसे भी हटा दिया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, उसकी जगह मुझे लगता है महिला आयोग, इस तरह के ये आयोग जोड़ दिए गए। ठीक है, ये संस्थाएं संविधानिक नए जोड़े गए हैं। ठीक, अब पता है आपको इसमें अनुसूचित ये तीन एक्ट थे जो 89, 95, 93, 55, ये तीनों इस बार नहीं जोड़े गए। इस यहाँ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पहले भी था, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं ये पहले भी आती थी, याद रखिए। ठीक, और विज्ञान एवं पर्यावरण ये पहले भी था। ठीक, भारतीय संविधान प्रणाली अर्थ, तो पहले याद रखना इसमें दिया गया था, हेडिंग दे दी गई थी भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, इसमें दिया गया था देश की राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, सतत आर्थिक विकास, चुनाव, राजनीतिक दलों, योजनाएं, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाओं पर प्रश्न थे होंगे। ठीक है, इस बार लेकिन इसका और डिटेल दे दिया गया है। ठीक, फिर है हमारा राज्य की वैधानिक स्थिति। ठीक, पहले इसमें भी ऐसे ही दिया गया था कि मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था। ठीक, तो राज्य की अलग से हेडिंग डाल दी है, राज्य की वैधानिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था। ठीक, मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक, भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति। ठीक, पढ़ने में आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, कुछ ही अपडेट होना पड़ेगा आपको, वही रहेगा, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत भी नहीं। ठीक, तो ये रहेगा हमारा, आपको याद रखिए कल परसों जब से चालू टाइम मिलेगा तब से हम लोग जितना भी टॉपिक दिए गए इन सभी का जो भी मटेरियल जहाँ भी उपलब्ध होगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का, उससे प्रारंभिक परीक्षा जिस दिन होगी उससे बहुत पहले तक मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। ठीक, एक एक शब्द का। ठीक है, जो सी सेट है तो द्वितीय प्रश्न पत्र, तो इसमें पहले भी यही आता था, वही है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। ठीक है, याद रखना ये क्वालिफाइंग है। ठीक, तो ये था हमारा प्रारंभिक परीक्षा का। ठीक है, इसे जैसे ही हम लोग खत्म कर देंगे, इसका जो भी पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मैथ्स की बात कर लेंगे, मैथ्स का सिलेबस देख लेंगे, उसमें जो जितना भी मटेरियल रहेगा, जो भी रहेगा, जो भी शब्द से लेकर सब कुछ कवर करवा दूंगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, प्रारंभिक परीक्षा का, तो इसका सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं मेंस का सिलेबस नहीं समझाऊंगा। उसके बाद जैसे ही 1 महीने 2 महीने जितना भी टाइम लगे, 2 महीने इस सिलेबस खत्म करने के बाद लोग मेंस में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देख लेना, ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई है और कुछ डरना भी नहीं। ठीक, टेंशन मत लो।